हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक डिस्कस करेंगे। नाउ वी ऑल नो दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। वेदर वो एम्प्लॉय टॉप मैनेजमेंट में हो, मिडिल मैनेजमेंट में हो या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो, बट उनके बीच में एक क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट? और जो भी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मींस वेदर कम्युनिकेशन टॉप मैनेजमेंट से फ्लो करेगा हमेशा या मिडिल मैनेजमेंट से या लोअर लेवल मैनेजमेंट से, कौन सा इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड बाय कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी बातें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। जब ये सारी बातें क्लियर रहती है तब ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉई को ये पता रहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास आया है तो वो कैसे पास ऑन होना है टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉई एंड वाया कौन से एम्प्लॉयज के होते हुए पास ऑन होना है, राइट? नाउ स्केलर चेन के बारे में हेनरी फेयोल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी बताया था, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड पहले व्हाट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन को हायरार्की ऑफ अथॉरिटी भी कहते हैं। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी मींस लेवल ऑफ अथॉरिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सर्टेन अथॉरिटी लेवल्स, दैट इज कोई टॉप मैनेजमेंट में होगा, कोई मिडिल मैनेजमेंट में होगा, कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट में होगा। तो जब इन अथॉरिटीज को एक लेवल में अरेंज करते हैं तो उसको हायरार्की कहते हैं। हायरार्की को लैडर भी कहते हैं, राइट? स्केलर चेन सर्व्स एज चेन ऑफ कमांड एंड एज चेन ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज चेन ऑफ कमांड? चेन ऑफ कमांड मीन्स कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस, राइट? कमांड मीन्स कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो कैसे टॉप मैनेजमेंट से मिडिल लेवल मैनेजमेंट के होते हुए लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाएगा, इस चेन को स्केलर चेन क्लियरली डिस्क्राइब करता है, राइट? यहाँ पे चेन मतलब कि वो प्रोसेस, वो सारे स्टेप्स को वन बाय वन कैसे पास ऑन होना है। कोई भी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस अगर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है स्केलर चेन। इन द सेम वे अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंफॉर्मेशन है जो कि पास ऑन होना है तो वो कौन पास करेगा, कैसे पास करेगा टू द कंसर्न पर्सन, ये सारी चीजें स्केलर चेन एक्सप्लेन करता है, राइट? और इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे पास होना है ये सारी प्री डिफाइंड पाथ होती है। प्री डिफाइंड पाथ मीन्स पहले से ही इनका एक पाथ बना हुआ रहता है। पाथ हियर मीन्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट जाएगी इंफॉर्मेशन, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट में से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाएगी एंड देन टू द वर्कर्स और सुपरवाइजर्स जाएगी। तो ये सारी पाथ्स, ये सारे स्टेप्स जब डिफाइंड रहते हैं तो इसे प्री डिफाइंड पाथ कहते हैं, राइट? सो एवरी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, मैसेजेस, रिक्वेस्ट्स, एक्सप्लेनेशंस हैज टू पास थ्रू द स्केलर चेन। सो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसे स्केलर चेन के थ्रू ही पास होना है। यहाँ पे स्केलर चेन मतलब सेम जो स्टेप्स बनाए गए हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी के, उसके थ्रू पास होना है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अभी मैंने बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस अगर हैं तो स्केलर चेन के थ्रू पास होने हैं। अब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। व्हाट वी सी हियर इज टॉप मैनेजमेंट पे कौन है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और जनरल मैनेजर्स है। सो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है तो वो क्या करेगा, ही विल फर्स्ट पास द मैसेज टू द जनरल मैनेजर। जब जनरल मैनेजर के पास वो इंफॉर्मेशन आएगा देन ही विल पास इट टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स, राइट? मिडिल लेवल मैनेजर के पास कोई इंफॉर्मेशन आया तो वो लोअर लेवल मैनेजर को देगा, लोअर लेवल मैनेजर्स फिर उसे सुपरवाइजर को देगा एंड सुपरवाइजर उसे वर्कर्स को देगा, राइट? सो द सेम वे इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना है वर्कर्स को तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा वर्कर्स से, रादर ही विल हैव टू फॉलो द स्केलर चेन। और स्केलर चेन का मतलब क्या है, ये सारे हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज जो हैं इससे इंफॉर्मेशन को फ्लो करना है,
राइट सो यही बात स्केलर चेन एक्सप्लेन करता है. ओके नाउ ये हमने देखा कि किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंफॉर्मेशन फ्लो होना है तो वो ऐसे फ्लो होगा. बट वी ऑल नो दैट ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करना होता है. सो इन दैट केस मैसेज कैसे ट्रांसफर होंगे, कम्युनिकेशन कैसे होगा, लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब यहां पर दो डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट. सो यहाँ पर अगर कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है और उसे फॉर एन एग्जाम्पल वर्कर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है, वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट को देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को पास ऑन होगा. देन द मैनेजिंग डायरेक्टर विल पास द इंफॉर्मेशन टू जनरल मैनेजर प्रोडक्शन एंड जनरल मैनेजर सेल्स. एंड देन जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर प्रोडक्शन को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे. मैनेजर प्रोडक्शन विल पास द मैसेज टू सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्कर के पास जाएगा. इन द सेम वे अगर सेल्स के पास है तो जनरल मैनेजर सेल्स के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसे मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला है वो मैनेजर सेल्स के पास जाएगा. मैनेजर सेल्स उस मैसेज को सुपरवाइजर को देगा एंड देन द सुपरवाइजर विल पास द मैसेज टू द वर्कर. राइट सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो भी मैसेज है वर्कर्स के लिए वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बट ही विल हैव टू फॉलो दिस चेन एंड दिस चेन इज कॉल्ड एज स्केलर चेन. राइट अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन मैनेजर प्रोडक्शन को देना है देन कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा, मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स विल पास द इन्फॉर्मेशन टू द जनरल मैनेजर प्रोडक्शन और जीएम प्रोडक्शन विल पास द मैसेज टू मैनेजर प्रोडक्शन. राइट इन द सेम वे अगर कोई भी सजेशंस है जो कि वर्कर्स देना चाहते हैं टॉप मैनेजमेंट को तो यहां पर इस अपवर्ड वाले एरो को फॉलो किया जाएगा. दैट इज वर्कर अपने सजेशंस सुपरवाइजर्स को देंगे, सुपरवाइजर्स विल पास द मैसेज टू द मैनेजर दैट इज मिडिल लेवल मैनेजर्स इन दिस केस मैनेजर प्रोडक्शन. मैनेजर प्रोडक्शन विल पास द मैसेज टू जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन विल पास द मैसेज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर वो इन्फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पास ऑन कर देंगे. राइट सो इन दिस वे अगर कोई भी सजेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट से अपर लेवल मैनेजमेंट में जाना है तो ये अपसाइड एरो वाली स्केलर चेन फॉलो की जाएगी. एंड हियर भी येलो में लाइंस और एरोज देखे जा रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स स्केलर चेन. राइट सो स्केलर चेन यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में अगर वर्कर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ कम्युनिकेट करना है देन वॉट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. सो यहाँ वर्कर विल पास द मैसेज टू द सुपरवाइजर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगा सुपरवाइजर से, मैनेजर प्रोडक्शन पास करेंगे वो इंफॉर्मेशन जनरल मैनेजर प्रोडक्शन को, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन विल पास द मैसेज टू द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है तो जनरल मैनेजर प्रोडक्शन से टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ये मैसेज गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट विल पास द इंफॉर्मेशन टू द जनरल मैनेजर सेल्स. राइट जनरल मैनेजर सेल्स फिर वो इंफॉर्मेशन मैनेजर सेल्स को पास ऑन करेंगे, द मैनेजर सेल्स विल पास द इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट एंड सुपरवाइजर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट ये इंफॉर्मेशन वर्कर ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेंगे. तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो अपसाइड एरो जा रही है इसको फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन पास ऑन होगा राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देन ये डाउनसाइड एरो जो जा रही है इन दैट द इंफॉर्मेशन विल फ्लो इन द सेल्स डिपार्टमेंट. सो हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉई इस इंफॉर्मेशन फ्लो में है, दैट इज दे ऑल आर इन लूप, सबको पता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच इज फ्लोइंग. राइट तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को पता है कौन सा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो हो रहा है एंड दैट इज पासिंग थ्रू स्केलर चेन देन सारे एम्प्लॉयज को पता रहता है, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पता रहता है इसके बारे में एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. राइट बट
कभी कभी ऐसा होता है दैट एट टाइम्स जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होने हैं विद इन द डिपार्टमेंट्स, दैट इज वर्कर ऑफ सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए या पास ऑन करना है विच इज नॉट ऑफ टू मच इम्पोर्टेंस फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट या हायर लेवल मैनेजमेंट के. सो इन दैट केस क्या किया जाए, और इन केस ऑफ अर्जेंसी, राइट, कि अगर कुछ अर्जेंट सिचुएशन आ गया है व्हेन वर्कर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ कम्युनिकेट करना है, देन इन दीज केसेस स्केलर चेन काफी टाइम ले लेता है और ये काफी लेंदी प्रोसेस भी होता है. तो इन सिचुएशंस में गैंग प्लान काम आता है, राइट. नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्केलर चेन हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए इफ इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स, राइट. सो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन काफी इम्पॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, दैट इज फॉर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सबको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो स्केलर चेन काफी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर स्केलर चेन के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी तो सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. बट अभी हमने देखा कि स्केलर चेन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, कि इसमें काफी डिले हो जाता है, काफी लेंदी प्रोसेस है. सो इस डिसएडवांटेज को हटाने के लिए एंड इन केस ऑफ अर्जेंसी, या अगर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पास ऑन होना है, देन इन दैट केस हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट, राइट. एंड ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि गैंग प्लैंक एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, दैट इज ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है. मतलब इसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं यूज कर सकते हैं, इसे इन केस ऑफ अर्जेंसी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन पास ऑन होना है बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स विच आर नॉट ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंस, राइट, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. सो इन दीज केसेस ही सिर्फ गैंग प्लैंक यूज कर सकते हैं. सो गैंग प्लैंक जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम लेवल में जल्दी एंड इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट. सो अभी हमने सेम अरेंजमेंट देखा था कि वर्कर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है सो उसे एंटायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू पास ऑन होना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को इन स्केलर चेन. बट इन गैंग प्लैंक अगर वर्कर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वर्कर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है वाया दिस रेड लाइन, राइट. सो ये क्या है, ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स को विदाउट इंक्लूड किए हुए दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय आपस में डायरेक्टली बात कर सकते हैं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक, राइट. सो गैंग प्लैंक क्या कहता है कि आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें वर्कर्स डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं रादर देन वो लंबा कंबरसम प्रोसेस जो है स्केलर चेन का उसको यूज करने के लिए. एंड हेनरी फेयोल ने ये भी बोला है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जो कि सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में यूज हो सकता है इन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, और अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देन इन दैट केसेस गैंग प्लैंक कैन बी यूज्ड, राइट. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक के लिए. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज सिंप्लीफाइड बेसिक कॉन्सेप्ट. थैंक यू.